चलिए जी, अहम और बड़ी खबर आपको बताते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर के मसले को उठाने की बात सामने रखी गई है और भारत सरकार का मौकफ भी सामने आया है। पाकिस्तान में होगा दो रोजा ओआईसी का इजलास और इस इजलास के लिए बाजाबता तौर पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर 40 से ज्यादा मुल्कों का समिट होने जा रहा है, ओआईसी का समिट होने जा रहा है और इसी समिट के अंदर जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है फॉरेन मिनिस्टर्स का, उसमें जम्मू कश्मीर के मसले को उठाया जाएगा। इस बात का खुलासा कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जो था वो मौजूद थे। उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि जनाब इजलास होने जा रहा है, अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और इजलास के अंदर हम कश्मीर का मसला उठाने जा रहे हैं। एक तरफ से यह खबर है, दूसरी तरफ से खबर यह भी है कि जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए बयान पर कई सवाल वजीर खारजा और कौमी सलामती मुशीर बराए पाकिस्तान ने उठाए हैं। अब किस पर सवाल उठाए, मिसाइल हमला जो मिसाइल मिस फायर हो गया था गुज़श्ता दिनों, जिसके बाद लकीली कोई बड़ा नुकसान पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भी वजाहती बयान पाकिस्तान की तरफ से आया और उन्होंने इसे आउटराइटली रिजेक्ट किया, कहा कि हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को दो बड़े झटके लगे इस पूरे मामले पर, एक अमरीका की तरफ से झटका लगा जब उन्होंने अमेरिका से फरियाद की, देखिए मिसाइल हमला हो रहा है भारत की तरफ से और आप खामोश है, तो यह कहा गया कि इतना टेक्निकल एरर है, इसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। आउटराइटली उसको वन साइड करके उसको साफ कर दिया गया। एक झटका पाकिस्तान को यह था और दूसरा झटका अक्वामी मुत्तहिदा में भी लगा है, जहां पर उन्होंने गुहार तो लगाई लेकिन कोई मस्बत और मुनासिब आवाज वहां से नहीं आई। फिलहाल चलेंगे श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। उनके पास चलेंगे कि मजीद मुईद यूसुफ जो कौमी सलामती के मुशीर बराए पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा है और किन मुतालबात को लेकर उनकी बात सामने आई है। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर दो रोजा इजलास OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन का दो रोजा इजलास होगा, जहां पर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो इसमें शिरकत करेंगे और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मईद यूसुफ वो भी इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जहां पर फ़लस्तीन का मामला, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन का मामला इस इजलास में उठाया जाएगा और उसके साथ साथ ही अफ़गानिस्तान पर भी बात होगी, वहीं पर इस्लामोफोबिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस पर भी बात होगी। और माना जाता है कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर भी बात होगी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि जो चंद रोज कबल यानी कि 9 मार्च को जब भारत की जानिब से एक मिसाइल दागा गया था, यानी कि वो टेक्निकी एरर था, जो भारत की जानिब से कहा गया है कि टेक्निकी एरर की वजह से वो मिसाइल पाकिस्तान की फिजाए हदूद में दाखिल हुआ है, उसके बाद ही कल पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह वजीर दिफा ने इस हवाले से कहा है कि इस पे हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये टेक्निकी खराबी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसके लिए एक टीम तश्कील दी गई है जो तहकीकात करेगी। लेकिन सीधे श्रीनगर चलेंगे फिलहाल, जहाँ से हिलाल हमारे साथ ज्वाइन किया। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। खबर हमने नाज़रीन को थोड़ी सी तो बता दी, 48 OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर होनी जा रही है और इस मीटिंग के अंदर तकरीबन 40 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ज्वाइन करना है। तो क्या कुछ अभी तफसीलात है आपके पास और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया क्या कुछ कह रही है और इंटरनेशनल फोरम पर इसे कैसे देखा रहा है, क्योंकि भारत सरकार की जहां तक मैं बात करूं तो भारत सरकार की तरफ से पहले ही मौकफ की वजाहत आ चुकी है और उन्होंने अफगानिस्तान और कश्मीर को लेकर जो स्टैंड OIC ने लिया था उसको पहले भी मुस्तरद किया था, क्या कुछ तफसीलात आपके पास? बिल्कुल गवर, दो तीन चीजें हैं जिस पर जो OIC का इजलास है उसमें ज्यादा तौर पर गुप्त शनीद या जेर बहस आने की तवक्का है। इसमें नंबर एक पर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और उसमें मुस्लिम ममालिक का पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1, दूसरा मुमकिन तौर पर जम्मू कश्मीर का इशू
जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान काफी वक्त से ऐसे ही पड़ा हुआ है उस पर ओआईसी का मौकफ। और तीसरा जो इसमें अहम चीज आ रही है वो ये कि कल ही यूनाइटेड नेशन की जानिब से एक रेजोल्यूशन पास की गई है जिसमें इस्लामोफोबिया को लेकर 15 मार्च की तारीख पर एक कहीं ना कहीं जो मुहर है वो लग गई है। तो इस्लामोफोबिया पर भी यहाँ बातचीत होना तवक्को है। और इस हवाले से बहुत पहले से ही जबकि इस दौरे का जो 48 मेम्बरान पर मुश्तमिल जो ग्रुप है जिन पर मुहर सख्त हो गई है कि जिन्होंने हामी भर ली है कि वो 23 मार्च को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और यहाँ पर गुप्त शनीद करेंगे और इन्हीं चीजों को लेकर यहाँ पर बात होना मुतवक्का है। और इस मौके पर हालांकि ओआईसी ने इससे पहले भी कश्मीर के विजावीज जो नुक्ते नजर है उसको हमेशा से ही भारत की जानिब से नकारा गया है और बार बार ये कहा गया है कि जो कश्मीर है ये भारत का एक अंदरूनी मामला है, एक टूट अंग है और इस पर किसी भी पेशरफ की या किसी भी बातचीत को भारत की जानिब से रिजेक्ट किया गया है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इसको देखूंगा, पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हो रही है, 40 से ज्यादा मुल्कों के सफीर वहां पर मौजूद रहेंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद रहेंगे और ये खबर सामने आ रही कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड ये जी कायम किया जाएगा ओआईसी की तरफ से, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड बराए अफगानिस्तान और साथ साथ एक सेक्रेटरी जनरल ओआईसी के जो है वो स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करेंगे जी काबुल के लिए। तो क्या मैं ये समझूं कि ये मुस्लिम ब्लॉक की एक पहल है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने अभी अफगान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया है और जिस तरीके से वो भुखमरी और दूगर मामलात से इस वक्त शिकार हो रहे हैं उससे बाहर निकालने के लिए मुस्लिम ब्लॉक की एक छोटी सी पहल है, एक कोशिश है? बिल्कुल गौर, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और इस हवाले से ओआईसी का जो बुनियादी मौकफ है और जो उनका आईन है वो यही है कि ऐसे ममालिक की जो मुस्लिम ममालिक है उनकी बहबूदी कैसे मुमकिन हो। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया ने अफगानिस्तान को किसी भी तौर पर नजरअंदाज किया है जहां तक एड का ताल्लुक है, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, बिल्कुल हो, चाहे वो फ्रांस क्यों ना हो, चाहे क्यों ना हो भारत क्यों ना हो, हर मुल्क की तरफ से उन्हें इमदाद जो है वो दी गई है, चाइना की जानिब से भी दी गई है, मलेशिया की जानिब से भी दी गई है और कुछ गैर मुस्लिम ममालिक जो है जो ओआईसी का हिस्सा नहीं है उनकी जानिब से भी वहां पर एड पहुंचा दी गई है, चाहे वो खुराक की सूरत में हो या मेडिकल असिस्टेंस हो, हर सूरत में अफगानिस्तान को ये एड पहुंचाई जा रही है। और इसमें जब ओआईसी का नाम आता है तो ओआईसी का ही बुनियादी हक बनता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि वो इस मुल्क की बहबूदी के लिए जो एड है वो फराहम करे और उस पर बात होना बिल्कुल मुतवक्का है। और उसके साथ साथ वहां पे स्टेबिलिटी कैसे आ जाए, वहां पर खूनरेजी कैसे रुक जाए, उस पर भी बात होना आज की ओआईसी के इजलास पे तय है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये 22 और 23 तारीख जो है ना ये बड़ी कैलकुलेटेड तारीख की है क्योंकि 23 तारीख को आपको याद होगा यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है और ये सारे मंदुबीन जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर रखे गए हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है वो एक मिजाज कायम करना चाहती है इंटरनेशनल फोरम के अंदर की, देखिए हम एक ब्लॉक के लोग हैं और वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेट अस होप सो कि क्या कुछ इसमें होगा वो तो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ओआईसी को लेकर कुरैशी साहब का एक बयान भी आया था जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके रिकंसिलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया, इमरान खान खुद सऊदी अरब चले गए, शाहवली से बातचीत वहां पर हुई है और उसके बाद ही अब यह फैसला हुआ कि 22 और 23 तारीख को इजलास वहां पर होगा। लेकिन इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान भी सर चढ़कर देखने को मिलेगा और लगातार कल ही जब फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बात कर रहे थे तो उन्होंने यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगा जी बातचीत के दौरान।